Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about manure, and this is the part of crop production and management. Okay? Previous lecture में हम लोगों ने क्या देखा था? तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था crop क्या है, production क्या है, management क्या है. फिर हम लोग sowing of seeds का भी method देखा था. तो एक हम लोगों ने traditional देखा था, जो कि हम लोग हाथ के through करते थे, ठीक है, और उसे हम लोग मैनुअल और ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते थे. फिर हम लोगों ने एडवांस वर्जन वाला देखा, वो हमारा क्या था, मैकेनिकल, जिसमें हम लोग सीड ड्रिल को यूज़ करके सीड्स को अपने फील्ड में सोन करते थे. और जब हम सीड ड्रिल को यूज़ करके सीड्स को अपने फील्ड में सोन करते थे तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस पे हम लोग सीड को सोन करते थे, तो कोई कंपटीशन भी नहीं होता था, प्लस हमारा कोई एक्स्ट्रा जो लैंड है वो वेस्ट भी नहीं जाता था. तो ये सारे चीज़ हम लोग कहाँ पर देखे थे, तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में देखा था. आज हम लोगों को कहाँ से कंटिन्यू करना है, तो हमें कंटिन्यू करना है मैनुअर से, ठीक है. तो हम लोगों ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में देखा था कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्लॉगिंग ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को प्रिपेयर करते हैं कि उसमें सीड सोन करें, उसके बाद से हम लोग सीड को सोन करते हैं, उसके बाद से मैनुअरिंग, फिर इरिगेशन आता है, तब हमारा हम लोग ये क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं, उसके बाद से उसको हार्वेस्ट करते हैं, तब जाके हम लोग स्टोर करते हैं. वो सारे ये सारे प्रोसेस किस में आता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो फार्मर परफॉर्म करता है किसी भी कल्टीवेशन और किसी भी फार्मिंग के लिए, ठीक है. तो आज हमारा फोर्थ जो प्रोसेस है वो क्या है, वो हमारा मैनुअरिंग है, ठीक है. फोर्थ नहीं, थर्ड है. थर्ड हमारा क्या है, मैनुअरिंग है. ये इसका मतलब क्या होता है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग मैनुअर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैनुअरिंग. मैनुअरिंग क्या होता है, मैनुअर को सॉइल में ऐड करने वाले प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैनुअरिंग बोलते हैं. जैसे कि अगर कोई फील्ड है जिसको हम लोग कल्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो अगर ज़्यादा टाइम तक हर सीज़न में हम उसमें क्रॉप लगाते हैं, तो वो क्रॉप अपने आप को ग्रो करवाने के लिए उस फील्ड के सॉइल से न्यूट्रिशन लेता है. तो फिर नेक्स्ट सीज़न में अगर कोई दूसरा क्रॉप हम जब उसमें लगाते हैं, तो ऑलरेडी पहला वाला क्रॉप उसका न्यूट्रिशन ले लेता है, तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है. तो बिना न्यूट्रिशन की तो हाई अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं होगा. तो इसी कमी को फुलफिल करने के लिए हम अपने फील्ड में क्या ऐड करते हैं, मैनुअर ऐड करते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. तो मैनुअरिंग क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने फील्ड में मैनुअर्स को ऐड करते हैं, ताकि जो भी क्रॉप हम अपने फील्ड में सोन किए हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उसे सारा न्यूट्रिएंट्स मिल पाए. गॉट इट. फिर हमारा क्या आता है, फिर मैनुअर होता क्या है, इससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर से भी तो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, तो फिर ये फर्टिलाइजर से कैसे डिफरेंट है. तो देखो इसमें क्या होता है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट एंड इट इज रिच इन ह्यूमस. मैनुअर जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है. तो हम बोल रहे हैं कि मैनुअर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. तो ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है. कैसे मिलता है, तो जब प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, जब वो डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट क्या करेगा, जब वो डेड हो जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है. बैक्टीरिया और फंगी उसका डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं. फिर हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का भी वेस्ट हमारा डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है. तो एनिमल्स और प्लांट के वेस्ट से हमारा क्या बनता है, वेस्ट के डिकम्पोजिशन से हमारा बनता है मैनुअर. तो मैनुअर क्या हुआ, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है, ठीक है. और मैनुअर में हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस मिलता है. तो अब ये ह्यूमस क्या है, ये हम लोग देखेंगे. तो ह्यूमस से क्या होता है, ह्यूमस से जो सॉइल का टेक्सचर होता है, जैसे कि बहुत सारे टाइप्स के सॉइल मिलते हैं, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल, बहुत सारे टाइप्स के सॉइल है. वो किस पे डिपेंड करता है, उसके टेक्सचर पे डिपेंड करता है. तो अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें अगर ह्यूमस ज़्यादा होगा तो उसके टेक्सचर को वो इम्प्रूव कर देता है. प्लस
इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे कि अगर हम सैंडी सॉइल का ही बात करें, तो जैसे ही उसमें हम वाटर डालते हैं, कुछ टाइम बाद वहाँ से वाटर गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि सैंड की क्वालिटी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो क्या हम तब फिर हमारे प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा, उससे वाटर कहाँ से मिलेगा जो उसको फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो जब उसमें हम मैन्योर ऐड करेंगे, तो मैन्योर के साथ साथ उस सॉइल में ह्यूमस भी चला जाएगा। और ह्यूमस का प्रॉपर्टी क्या है? ये प्लांट के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, थोड़ा बहुत पानी वहाँ पे लगा हुआ रहेगा और उसी पानी को प्लांट अपने रूट के थ्रू और जाइलम के हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेगा और फोटोसिंथेसिस में उसको यूज़ करेगा। एंड द थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? सॉइल पोरस एंड इंट्रोड्यूस माइक्रोब्स इन इट, दैट इज सॉइल फ्रेंडली। ह्यूमस हमारा क्या करता है? सॉइल को पोरस में कन्वर्ट कर देता है। जब वो पोरस में कन्वर्ट कर देगा, तो क्या होगा? जो एयर प्लांट को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वो उसको ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि क्रम्स वगैरह में एयर ट्रैप नहीं हो पाता। और जब एयर ट्रैप नहीं होगा, तो प्लांट का रूट उसे एब्जॉर्ब कैसे करेगा, या फिर वो कैसे प्लांट के बॉडी में एंटर करेगा? तो जैसे ह्यूमस हमारे सॉइल में इंट्रोड्यूस होता है, वो सॉइल को पोरस बना देता है। इसके वजह से प्लांट को एयर को इनहेल करने में या जैसे इजी हो जाता है। उसके बाद से ह्यूमस का एक और काम होता है, वो अपने साथ साथ सॉइल में माइक्रोब्स को भी इंट्रोड्यूस कर देता है। और बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे सॉइल में नेचुरल वे से न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करते हैं। मतलब हमारे सॉइल जो न्यूट्रिशन उसमें लॉस हुआ रहता है, उसको वो लोग इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ये माइक्रोब्स हमारा फार्मर का हेल्प किया। कैसे फार्मर का हेल्प किया? ये क्या कर रहा है कि इसमें सॉइल में न्यूट्रिशन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इट मीन्स न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करवा रहा है। और न्यूट्रिशन जब उसमें ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और फार्मर क्या चाहता है? उसका प्रोडक्शन चाहता है। तो ह्यूमस का काम क्या होता है? माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करवाना, जो कि फार्मर्स फ्रेंडली होते हैं। मतलब फार्मर्स के हेल्प करते हैं, फार्मर्स के काम में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा दिया, जो कि फार्मर्स को चाहिए था। ये क्या है? ये इमेज है हमारा मैन्युअर का, जो कि एनिमल वेस्ट के थ्रू बना हुआ है, काउ डंग्स वगैरह। फिर हम लोग क्या देखेंगे? फर्टिलाइजर। ये भी हमारे सॉइल में न्यूट्रिशन डालता है, ठीक है। ये कैसे है? जैसे कि हमारा मैन्युअर था, वो ऑर्गेनिक था, वो प्लांट और एनिमल से मिलता था। लेकिन फर्टिलाइजर हमारा क्या है? ये हमारा केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। इसको हम लोग फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करते हैं केमिकल के हेल्प से। मैन्योर को हम लोग क्या कर रहे थे? प्लांट और एनिमल्स का वेस्ट को हम लोग मैन्योर बना ले रहे थे। लेकिन फर्टिलाइजर्स में हम क्या करते हैं? तो केमिकल्स यूज करके फैक्ट्रीज में हम इसको बनाते हैं। गॉट इट? इसमें प्लांट और एनिमल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? यूरिया। तो मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के फर्टिलाइजर्स आते हैं, अलग अलग टाइप्स के। और अलग अलग टाइप्स का फर्टिलाइजर्स में अलग अलग टाइप्स का न्यूट्रिशन ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है यूरिया, ये जनरली क्या सप्लाई करता है? तो ये नाइट्रोजन सप्लाई करता है। फिर हमारा क्या है? CAN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये फर्टिलाइजर क्या सप्लाई करता है? तो ये हमारा कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों सप्लाई करता है। तो मैंने अभी बोला कि मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के फर्टिलाइजर्स हैं, अलग अलग फर्टिलाइजर्स अलग अलग न्यूट्रिशन को ज़्यादा अमाउंट में सॉइल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे कि यूरिया, ये नाइट्रोजन ज़्यादा सप्लाई करता है। जैसे ये हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम और नाइट्रोजन को ज़्यादा सप्लाई कैल्शियम और नाइट्रोजन का ज़्यादा सप्लाई करता है सॉइल के अंदर। तो अगर कोई फील्ड होगा जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे? उसमें हम लोग यूरिया डालेंगे। और कोई ऐसा फील्ड होगा जिसमें कैल्शियम की कमी है, तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे? तो उसमें हम लोग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये फर्टिलाइजर है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स केमिकल से बना हुआ है। तो केमिकल्स खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे,
तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। प्लस ये केमिकल्स जब हम क्या करते हैं, अपने फील्ड को इरिगेट करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, फिर वो वाटर हमारा क्या करता है, वो वाटर हमारा जाके कैनल में रिलीज होता है, रिवर्स में जाता है, फिर वो हमारे पानी पीने के पानी में मिक्स हो जाता है और वाटर पोल्यूशन करता है और हमें बीमार करवाता है। ठीक है, तो इतने सारे डिसएडवांटेज है, तो कोई अदर अल्टरनेट मेथड होना चाहिए जिसमें बिना फर्टिलाइजर्स के यूज़ किए बिना ही हमारे सॉइल में न्यूट्रिशन की रिप्लेसमेंट हो जाए। तो अब हम लोग वही सब डिस्कस करेंगे, मेथड विच इज अल्टरनेट टू फर्टिलाइजर टू रिगेन द न्यूट्रिशन। तो हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है फील्ड फैलो। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक सीजन में, जैसे हमारे यहाँ रैनी सीजन में हम लोग राइस लगाते हैं, तो रैनी सीजन में हमने राइस लगाया, फिर जो विंटर सीजन आता है उस टाइम में हम लोग वीट लगाते हैं। लेकिन विंटर सीजन में जब हम लोग उसमें कोई भी क्रॉप नहीं लगाएंगे तो उस फील्ड को टाइम मिल जाएगा कि नेचुरल वे से जो न्यूट्रिशन उसका प्रीवियस सीजन में यूज़ हुआ है वो अभी फिर से रिप्लेनिश हो जाएगा। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड फैलो बोलते हैं। यही यहाँ पे मेंशन किया है, लिविंग द लैंड फ्री फॉर वन और मोर सीजन टू रीगेन न्यूट्रिएंट्स नेचुरली। मतलब जैसे कि एक सीजन में उस फील्ड में मैंने क्रॉप लगा लिया और फिर एक दो सीजन के लिए मैंने उस क्रॉप को ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही क्यों छोड़ा कि नेचुरल वे से उसमें जो न्यूट्रिशन की यूज़ हुआ है वो न्यूट्रिशन वहाँ पे नेचुरल वे से रिप्लेनिश हो जाए बिना कोई फर्टिलाइजर और मैनुअर्स को यूज़ किए बिना। गॉट इट। फिर हमारा क्या आता है, क्रॉप रोटेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने जो कोई एक फील्ड है मेरा उसमें रोटेट कर करके क्रॉप्स को लगाते हैं। जैसे एक सीजन में मैंने उसमें राइस लगाया, अगले में व्हीट लगाएंगे, फिर हम उसमें पल्सेस लगाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ये देखो, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग सीरीज ऑफ अ डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन अ सिक्वेंशियल सीजन। दिस प्रैक्टिस इज जनरली यूज फॉर रिप्लेसिंग ऑफ नाइट्रोजन बाई ग्रोइंग अ लेगुमिनियस क्रॉप दैट हैज नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल इन अ सिक्वेंस विद सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स। ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है हमसे, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो एक प्रैक्टिस है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक सीजन में कोई और क्रॉप लगाते हैं तो दूसरे सीजन में कोई और लगाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, मान लो सपोज दैट राइस को नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, तो अगर एक सीजन में मैंने राइस लगाया है तो अगले सीजन में मेरे फील्ड से नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी ना। लेकिन फिर अगर उसी फील्ड में हम लेगुमिनियस प्लांट यानी पल्सेस लगा देंगे तो पल्सेस के पास एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को हमारे सॉइल में मिक्स कर देता है। तो जो नाइट्रोजन हमारा इसके पहले वाला सीजन में राइस ने यूज़ किया था, वो नाइट्रोजन जब हम लेगुमिनियस क्रॉप्स लगा रहे हैं तब उसमें रिप्लेनिश हो जा रहा है। तो हमें कोई भी फर्टिलाइजर्स और मैनुअल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, नेचुरल वे से हम अपने सॉइल के न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश कर देते हैं। और यही इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, हर सीजन में अलग अलग क्रॉप लगाएं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिशन को यूज़ करता है। फिर हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ही फील्ड में दो तीन क्रॉप लगा देते हैं। और क्रॉप को हम लोग कैसे चूज करते हैं, जैसे एक क्रॉप का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दूसरे क्रॉप के ग्रोथ में हेल्प करता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समटाइम टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन अ सेम फील्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड मल्टीपल और मिक्स क्रॉपिंग। द क्रॉप टू बी ग्रोन टुगेदर आर चूजिंग इन अ सच वे दैट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अ वन क्रॉप हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अदर। एक साथ बहुत सारे क्रॉप्स लगा लिए, एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, दूसरे का वेस्ट मटेरियल पहले का ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, तो बाहर से हमें कोई भी फर्टिलाइजर्स कोई भी मैनुअल को यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। गॉट इट। तो ये तीन मेथड था जो कि अल्टरनेट था हमारा फर्टिलाइजर्स का और मैनुअल का। फर्स्ट हमारा फील्ड फैलो था जिसमें हम लोग एक सीजन में क्रॉप लगाए, दो तीन सीजन में बस ऐसे ही छोड़ दिए। एक था क्रॉप रोटेशन जो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप लगाए। तीसरा हमारा क्या था, मिक्स क्रॉपिंग यानी मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साथ अपने फील्ड में दो तीन क्रॉप्स लगाए।
गॉट इट। फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इरिगेशन। मैन्युअरिंग हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इरिगेशन। तो मैम इरिगेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स इन अ फील्ड एट अ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सिंचाई करना बोलते हैं। आप सभी ने ये नोटिस किया होगा कि आपके घर में कोई फार्मिंग करता हो या फिर आपने कभी देखा हो तो फील्ड में टाइम टू टाइम हम लोग वाटर का सप्लाई करते हैं, मतलब अपने फील्ड को इरिगेट करते हैं और उसे ही हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। अपने फील्ड में अपने क्रॉप में वाटर को सप्लाई करना रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल पहले हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो बहुत सारे जो इरिगेशन था उसके लिए अभी बहुत सारे मशीन्स वगैरह आ गया है, लेकिन पहले नहीं था। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि पहले इरिगेशन कैसे होता था। तो मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इरिगेशन कैन बी डन बाय अ ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक राहत एंड चैन पंप। यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्टली ऐसे होता, आप टू इरेज इट, गलत ही चूज कर लिया। क्या क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड में? एक हमारा राहत होता, एक हमारा चैन पंप होता और एक हमारा ये होता है डायरेक्टली, ठीक है। ये सारे किस चीज़ का है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या है? एक राहत है, एक डेकली है और एक चैन पंप है, और सब लगभग कॉमन ही होता है। इसमें क्या होता है, देखो, इन दिस मेथड वाटर अवेलेबल इन अ वेल्स एंड कैनल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फील्ड बाय यूजिंग कैटल एंड ह्यूमन लेबर। इसमें देखो हमारा क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड जितने भी अभी हम लोगों ने देखा, राहत, डेकली एंड चैन पंप, इसमें हमारा वाटर कहाँ अवेलेबल होता है? तो वेल्स में या फिर कैनल में, जो हमारा गवर्नमेंट कैनल हर जगह कैनल अवेलेबल करवाता है ना, ताकि इरिगेशन इजली हो सके। तो ये वाला वाटर हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड होता था उस टाइम में, वाटर कहाँ पे अवेलेबल होता था? तो वेल्स में होता था या फिर हमारा कैनल्स में होता था, और उसी वेल का और कैनल के वाटर को हम लोग कैटल यानी एनिमल्स को यूज़ करके या फिर खुद ह्यूमन लेबर यूज़ करके अपने फील्ड में लेके जाते थे। जैसे कि रस्सी टाइप का होता था, उससे हम लोग बॉकेट में पानी को खींचते थे वेल से, ठीक है, और उसको कैटल के हेल्प से या खुद हम लोग ह्यूमन, खुद जो इंसान होते थे वो क्या करते थे, अपने फील्ड में लेके जाते थे और अपने क्रॉप को इरिगेट करते थे। फिर हमारा क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। वो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन था वो बहुत ये था, इनइफेक्टिव था। उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था, प्लस बहुत कम टाइम में बहुत कम फील्ड को ही हम लोग इरिगेट कर पाते थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, हम लोग का एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो आज के दिनों में हम लोग करते हैं मशीन्स वगैरह को यूज़ करके, लेकिन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।